दरअसल हम लोग सायरा का रिश्ता मांग रहे हैं। मंगनी, मम्मी, तुम तो कहती थी ख्वाब ना देखा करो। देखा, मैंने ख्वाब देखा था। अगर ख्वाब ना देखी ना तो पूरा कैसे होता? हनी, मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद हैं। आप सायरा से मेरी शादी की बात कर सकती हैं प्लीज? दरअसल मम्मी ने सामान भेजा है कुछ एंगेजमेंट के लिए। अच्छा, आइए ना अंदर। हाँ, ये सामने रख दो। अच्छा ठीक है, मैं जरूर। जरूर आऊंगी। मैं मम्मी को बुला के लाती हूँ, वो सो रही हैं। उनको बुलाने की क्या जरूरत है, सोए रहे तो। ये देखो तुम्हारे लिए ये सूट, देखो। मेरा सूट? कल के फंक्शन के लिए। बहुत महंगा लग रहा है, डिजाइनर का है क्या? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि ये कलर तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ? कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत है। कपड़ों की बात नहीं कर रहा। फिर? देखो कितना अच्छा लगेगा। मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? तुम भी अच्छी लग रही हो, लेकिन यूं कितना अच्छा लग रहा है हम दोनों एक साथ। देखो अब बताओ कि तुम्हें तुम्हारा ऑफिस कैसा लगा? आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल। ऑफ कोर्स यार, इट्स नाइस, लेकिन एक इशू है। व्हाट? डैड, मैं आपको भी ज्वाइन नहीं कर सकता। देखो बेटा, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, जो तुमने कहा वैसे ही मैंने किया। अब तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, जो मैं कह रहा हूं वैसे ही करो। आई नीड यू बेटा। I know that, Dad. लेकिन actually मैं चाहता हूँ कि मैं अपना semester complete कर लूँ। अभी I am not really prepared. मैं देखो साकिब, तुम अब कोई बच्चे नहीं हो, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने शम्स को बड़ी मुश्किल से handle किया है। तुमने तो बड़ी आसानी से मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। वो अपनी सारी investment निकाल रहे थे, बड़ी मुश्किल से रोका है शम्स साहब को मैंने, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम को सीरियस लो। Okay, I think you are right. Dad, मैं फिर engagement के अगले दिन आपको join कर लूँगा। देखो, मैं तो चाहता हूँ कि तुम आज से मुझे join करो। मैं शम्स की मोहताजगी से निकलना चाहता हूँ। बड़ा चालाक businessman है। Dad, आपने मेरी इतनी बातें मानी, एक बात और मान जाइए। I promise, मैं engagement के very next step को join कर लूँगा, honestly. Really? Promise? Gentleman's promise. Wow. By the way, the office is really nice.
गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट। बताए मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल पंदा लिया। बेटा बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्यों ना लगे, मेरी बहन है ही सबसे प्यारी। भाग्य देखो ये कितना प्यारा है। अम्मी देखे, बहुत खूबसूरत है। अम्मी खाला जान ने तो सामान का ढेर लगा दिया है, इतना नहीं करना चाहिए था उन्हें। अब तो मैं वैसे भी वहाँ जा रही हूँ, सब कुछ मेरा ही होने वाला है। अम्मी वो जो डायमंड वाली घड़ी है ना, वो तो पक्की मेरी। अब बस करो, और ये सब मिल गया है ना तो आप कदर कर लेना। तुम देखना कितने मजे करूंगी वहाँ जाकर, इतना बड़ा घर है उनका, एक पूरा दिन भी घूमूंगी ना, घूमती रह जाऊंगी, थक जाऊंगी घूम घूम के। तो मेरी साइकिल ले जाना, वहाँ पे घूमती रहना। साइकिल पे घूमना तुम बच्चू, मैं तो अब गाड़ियों में घूमूंगी। साइकिलों में जितना घूमना था ना घूम ली मैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी शुक्र। आए ना वहाँ बैठते हैं। अरे सायरा जाओ जरा चाय बनाकर लेकर आओ। वो अम्मी मैं आपको ये बताने आया था कि कल मैं सारा की एंगेजमेंट में शामिल नहीं हो सकूंगा। क्यों? आपका होना बहुत जरूरी है। वो मेरी इंटरव्यू कॉल आ गई है ना इस्लामाबाद से, कोरियर तो एक हफ्ते पहले भेजा था, मुझे अब मिला है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन अरे कोई बात नहीं बेटा। अरे तुम्हारा मुस्तकबिल, और ये तो वैसे भी एंगेजमेंट है। कोई बात नहीं बेटा। बहुत शुक्रिया, आप देखिएगा शादी में सबसे आगे मैं ही होऊंगा। क्यों नहीं, जरूर जरूर। और तुम चाहो तो यहीं रुक जाओ, मैं तो 3 दिन के बाद आऊंगा, वैसे भी तुम हर वक्त इन्हीं को याद करती रहती हो। ठीक है। तुम अब आ रही हो, टाइम देखा है तुमने? ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। जानता हूँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। हाँ उस दिन तबीयत ही खराब हो गई थी इसकी। आइए, थैंक यू वेरी मच। एक बात है, तुम्हारी भूख हड़ताल है ना, मुझे गलत फैसले से बचा ले बस। चलो आपको एहसास तो हुआ, बस अब मुझे पता चल गया, जब आपसे कोई बात मनवानी होगी ना तो भूख हड़ताल कर लूंगी। एक्सक्यूज मी, आइंदा खाने के लिए नहीं बोल रहे। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब मैं गुलजार अहमद बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच गुलजार साहब। मैंने सुना है आजकल आप फाइनेंसर की तलाश में हैं। जी हाँ, आप कुछ है ऐसा सिलसिला? यस। तो अभी तक किसी से डील लॉक हुई आपकी? हाँ अभी बातचीत चल रही है, बट आप बताएं। क्या हम एक मीटिंग कर लें, कुछ चीजें डिस्कस कर लें? हाँ yes, if we can meet and discuss, why not? Yes. आप जैसे फ्री हो तो प्लीज मुझे कॉल करें। जी हाँ, 3-4 दिन में मैं फ्री हो जाऊंगा तो आपसे मुलाकात कर लेते हैं। हम मिलते हैं फिर। थैंक यू, खुदा हाफिज़। कौन था? गुलजार साहब, यूनाइटेड ग्रुप वाले, वो मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। अच्छा, देखा मेरी बेटी शक्ल की नहीं किस्मत की भी धनी है। अल्लाह मुझे लगता है कुछ कमी रह गई है। कमी?
हाँ ओ, अरे जल्दी करो, वो देखो कहीं हमारे बगैर अंगूठी न पहने। चलो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओहो बेटा ये क्या कह रहे हो, अभी शादी में टाइम है, आज तुम्हारी मंगनी है। वो एक्चुअली डैड फिल्मों में ऐसे ही कहते हैं ना, आई थॉट कि मुझे भी ऐसे कर। फिल्मों में तो छोड़ने, बस लड़की को उठा के ले जाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम आज मुझसे मंगनी और फिर आगे जाके शादी करोगी प्लीज। अरे भाई सायरा ये तो चीटिंग है, गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, मुंह से बोलो। क्या कहा? नहीं। मैंने कहा हाँ। ये हुई ना बात। ला ला। अरे अरे साकिब ये क्या किया तुमने? I'm so sorry. Yeah! Wow! मुबारक भाई, इस खूबसूरत दिन, इस खूबसूरत मौके पर मैं ये ऐलान करता हूँ कि इस खूबसूरत जोड़े के लिए एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होगी जिसमें हम सारे मेहमानों को बुलाएंगे और हम बहुत मजा करेंगे। शिखर बेटी अभी तक नहीं आई। आ जाएगी माकुल, कभी कभार ये तो कहीं जाती है। क्या बात है बीबी जी, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। थकन तो क्या, बस हर वक्त शफक की फिक्र सवार रहती है सर पे। अब देखो ना, आज सायरा की भी मंगनी हो गई। शफक की भी हो जाएगी बीबी जी, क्यों फिक्र कर रही हैं? अल्लाह के कामों में देर सवेर तो होती रहती है, और अल्लाह खैर करे हमारी शफक में कोई ऐप थोड़ी है। यही मैं भी उसे समझाती हूँ, लेकिन वो है कि आ गई शफक। आओ बेटा बैठो, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं खाने को? नहीं। अच्छा कैसी रही एंगेजमेंट? बहुत अच्छी थी, सायरा बहुत प्यारी लग रही थी, और उसका मंगेतर माशाल्लाह बहुत हैंडसम है। बार बार उसे प्यार से देख रहा था, और क्यों ना देखे, सायरा है ही इतनी खूबसूरत। खूबसूरत लड़कियों की किस्मत भी खूबसूरत होती है ना, शायद अल्लाह उन्हें गुड लुक्स के मार्क्स देता है, उन्हें तख्लीक करने के बाद उन्हें देखता है और फिर खुश होकर एक अच्छी सी किस्मत उनकी हथेली पर रख देता है। अल्लाह मेरी बेटी से भी बहुत प्यार करता है। लेकिन उतना नहीं जितना सायरा से करते हैं। मुझ पे तो शायद रहम आता है अल्लाह को, जैसे गोरे बच्चे के बराबर खड़े काले बच्चे को रस्मन प्यार कर लेते हैं। मेरी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी मामा, एक बादशाह ने एक कौवे को हार दिया, उसे कहा कि यह हार ले जाकर दुनिया की सबसे खूबसूरत परिंदे के गले में डाल दे, और कौवा वो हार अपने बच्चे के गले में डालकर उसे बादशाह के सामने ले आया। बादशाह ने देखा और एक अजीब सी नजर से बच्चे को देखकर बोला कि ये भला खूबसूरत है। कौवा बोला कि उसके लिए तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा है, आप मेरे गले में कितने मोतियों के हार डाल दें मामा, दुनिया के लिए मैं खूबसूरत नहीं बन सकती। आज मैं सायरा को देख रही थी, खूबसूरत तो शुरू से है, लेकिन आज उसके चेहरे पे एक अजीब सी रौनक थी, मैंने उसे इतना खुश कभी नहीं देखा मामा।
क्या है सायरा के पास जो मेरे पास नहीं है? मैं क्यों उसकी तरह खुश नहीं रह सकती? बेटा तुम क्यों इतना सोचते हो? बेटा मैं लाऊंगी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए। और बेटा अभी भी अगर तुम गौर करो तो तुम्हारे पास ऐसा बहुत कुछ है जो एक आम इंसान के पास नहीं। घर, बंगला, गाड़ी, दौलत। तुम्हें खरीद लाए मामा, किसी से कहे कि सब कुछ ले ले और बदले में मुझे थोड़ी सी खुशी दे दे। इन दवाइयों से मेरी जान छुड़वा दे मामा, मुझे खुशी ला दे प्लीज। क्या दूं आपको, टोस्ट या पराठा? नहीं टोस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाओ, तो तुम्हें याद था? बिल्कुल याद था। लेकिन बेटा मेरा ख्याल है कि तुम्हें MBA अपना कंप्लीट करना चाहिए। अरे आप तो मुझे कह रहे थे कि जरूरत है नहीं। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे डैड को सरप्राइजेस देने की आदत है। वो तो ठीक है, लेकिन आपने मुझे खुद तो कहा कि यू नीड मी, मुझे जाना चाहिए ऑफिस फिर। लेकिन अभी नहीं बेटा। अच्छा, यू मीन आई शुड एंजॉय माय लाइफ? यस ऑफ कोर्स। थैंक यू वेरी मच डैड, आई लव यू। क्या सिर्फ डैड का थैंक्स? ऐसा कहाँ होता है बेटा, एंगेजमेंट हो रही है और उसी की खुशी में दावत, वो भी एंगेजमेंट से बड़ी। मम्मी मेरी माने और मना कर दें खाला को, एंगेजमेंट हो रही है बस यही काफी है, बाकी सब फजूल खर्ची है। क्यों भाई? तुम चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ऊपर से क्या? अम्मी मंगनी की अंगूठी का गिरना ठीक नहीं समझा जाता है, अगर कल कुछ अजीब हो गया तो। नहीं भाई नहीं, आप बस उन्हें मना कर दे। हाँ हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, लाओ जरा मोबाइल तो मैं हमारा से बात करती हूँ। हाँ मैं लाती हूँ मोबाइल। अम्मी अगर वो लोग खर्चा करें तो आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ क्यों नहीं है भाई, फजूल खर्ची है ये, नहीं करना हमने, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सारा। तो फजूल खर्ची हम नहीं करे, वो लोग ही कर रहे हैं सारे खर्चे। देखो बेटा बात खर्चे की नहीं है, इंसान की इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है, हम गरीब हैं फकीर नहीं। अम्मी खुदा के लिए इस लहजे में ना उन लोगों से बात मत कीजिएगा, बनी बनाई बात खराब हो जाएगी। कैसी बातें कर रही हो तुम सारा, हम एंगेजमेंट खत्म करने का नहीं कह रहे हैं भाई, हम तो सिर्फ फंक्शन की बात कर रहे हैं। क्या हम लगाए हुए हैं, तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है समझी? सायरा अरे बड़ी बहन से किस लहजे में बात कर रही हो तुम? बोलने दे, कह लो जो कहना है। और मेरा ताल्लुक क्यों नहीं है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हूँ। बहन हो लेकिन तुम मुझसे जलती हो। सायरा ठीक कह रही हूँ मैं, अब अगर शुरू से मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ, ज़हीन हूँ, मेरे ज्यादा रिश्ते आते रहे, अच्छी जगह मंगनी हो गए, वो लोग मेरी हर बात मान रहे तो इसे जलन हो रही है। अच्छा ये नहीं, फोन करें खाला को। फोन अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने कोई उल्टी सीधी बात की और खाला को आपकी बात बुरी लगी और फिर खाला ने मंगनी खत्म कर दी ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं इसकी तरह किसी काले पीले लड़के से शादी नहीं करूंगी, इससे बेहतर होगा कि मैं जहर खा के मर जाऊं। दे फोन, कोई जरूरत नहीं है फोन करने की। अरे वाह, आज तो मेरे फोन के नसीब जाग गए हैं। क्या बात है जी, सायरा साहिबा ने खुद कॉल किया है। आई एम सो हैप्पी। कहाँ हो तुम? क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि जनाब को मेरी याद आ रही है? हाँ, बहुत। अच्छा रियली?
क्या बात है यार, फिर एक काम करते हैं, मैं तुम्हें पिक करता हूँ और हम लोग कहीं घूमने चलते हैं एक साथ। इस वक्त तो मेरा दिमाग घूमा हुआ है। क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई? शाकिब तुम अभी अपने घर जा सकते हो? घर जाऊँ? अच्छा, वो अम्मा है ना, हर खुशी के मौके पर बुरी बुरी बातें करती हैं। कह रही थी कि कोई जरूरत नहीं है मंगनी के बाद सेलिब्रेशन करने की। अच्छा, फिर? फिर क्या, मैंने भी सुना दी, मायरा भी साथ ही बैठी थी, उसका फोन मैंने अम्मा को पकड़ाया और मैंने कहा कि खाला को फोन कर दे। वैसे ना मैंने कह तो बहुत कुछ दिया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि अम्मी कहीं वाकई में खाला को फोन ना घुमा दे। तुम खाला को बोलना कि अम्मी की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सेलिब्रेशन का सबको बता चुकी हूँ। साकिब, ओहो सायरा, क्या हो गया तुम्हें, इतनी सी बात पे इतना कुछ सोच रही हो? कुछ नहीं होता, मैं मम्मी को समझा दूंगा, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि खाला उनको फोन करेंगी। तुम्हें अम्मा का नहीं पता, वो सब कुछ कर सकती हैं। साकिब, ये सेलिब्रेशन नहीं रुकनी चाहिए। अच्छा ना, बस कोई मसला नहीं है, मैं देख लूंगा। सुनो एक बात बताऊं, तुम्हारी आवाज फोन पे भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा, सुनो तुम घर जा रहे हो ना? घर पर ही हूँ। अच्छा सुनो ना, पहले मेरा मसला तो सुन लो, सारी रात नहीं सो सका, तुम्हारे बारे में सोचता रहा, और मुझे तो ये टेंशन हो गई है अब शादी होने तक हर रात तुम्हारे बारे में सोच सोच के गुजारनी पड़ेगी और बिल्कुल नींद नहीं आएगी। और अगर अम्मा ने फोन घुमा दिया ना तो मेरी नींदें उठ जाएंगी। साकिब तुम प्लीज घर जाओ ना अभी, प्लीज। कमाल करती हो यार, इतनी रोमांटिक बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है, सारे मूड की ऐसी की तैसी कर दी तुमने। कोई बात नहीं, मूड तो फिर दोबारा बन जाएगा। रखती हूँ, बैलेंस खत्म हो रहा है, हर चीज वक्त पे आके ही साथ छोड़ देती है मेरा। सुनो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे भरोसे ही तो जी रही हूँ, अब प्लीज घर जल्दी चले जाना। आगे तुम शफ़त बेटा। जी। भाग भाग के तो थक गई होगी, चलो बैठो, मैं जूस बना के लाती हूँ। आ गई शफ़त बेटा। जी। अब देखो अपने आप को, माशाल्लाह कितनी फ्रेश लग रही हो। आप भी जाकर जरा 30 मिनट्स के लिए ट्रेडमिल पे भागें, पता लग जाएगा आपको। भाई मैं तो चाहती हूँ कि तुम फिट और हेल्दी रहो। अच्छा ये बताओ, शाम को कहीं जा रही हो क्या? मागुल तुम्हारे कपड़ों पे इस्तरी कर रही थी। हाँ, वो सायरा के ससुराल वालों ने एंगेजमेंट की खुशी में गेट टुगेदर रखा, वहीं जाना। अच्छे अमीर लोगों में हो रहा है सायरा का रिश्ता। सिर्फ अमीर नहीं, माशाल्लाह लड़का बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा है। किस्मत वाली लड़कियों को मिलते हैं ऐसे शौहर। अरे तुम देखना, तुम्हें भी कोई ऐसा ही मिल जाएगा, फिक्र ना करो। मुझे इसकी फिक्र है भी नहीं, अब क्या मैं किसी की तारीफ भी नहीं कर सकती? अच्छा जो जाओ, तैयार हो, शाबाश। वैसे मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था जाने का, मैं सोच रही थी आज जल्दी सो जाऊंगी, लेकिन सायरा का फोन आया कि उसे पिक भी मुझे ही करना होगा, इसलिए जाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, अच्छा है ना, जाओ चलो तैयारी करो जाने की। जी, पहले थोड़ी एनर्जी ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा है ना। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम तैयार नहीं हुई हो अब तक। बड़े लोग तकरीब में हमेशा देर से ही जाते हैं। अब इतना भी देर से नहीं जाते, और वैसे भी हम मेहमान तो नहीं है। क्या हो गया तुम्हें, मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? तुम्हें क्या हो गया, क्यों इतना उलझ रही हो? तुम बातें ही ऐसी कर रही हो, इतने शॉर्ट नोटिस पे वो इतनी जल्दी कपड़े सीके दे रहे, बड़ी बात है। तुमने टेलर को कपड़े दिए हैं, कोई दूसरा सूट नहीं पहन सकती थी तुम? तुम्हारा दिमाग ठीक है, पिछली 12 शादियों में 9 दफा पहन चुकी हूँ वो जोड़े, आज के दिन भी वही पहनती। हद हो गई सायरा, और वो वाला सूट जो हम दोनों ने बिल्कुल एक जैसा बनवाया था, वो तो बिल्कुल फ्रेश है, वो पहन लेती ना। तुम एक काम करो, तुम्हें बहुत पसंद है ना, तुम अपने पास रख लो। आ गया दर्जी का फोन, शुक्र है। हेलो
क्या मेरा जोड़ा नहीं सिला? क्यों? लाइट नहीं थी तो मैं क्या करूं? जनरेटर नहीं है आपके पास? अल्लाह करे आपकी दुकान जल जाए, लाना था आपकी शक्ल पे। अब मैं लोगों को क्या कहूंगी, इतना अहम दिन है मेरी जिंदगी का, वहां पे इतने सारे लोग आने थे। बड़ी बड़ी मॉडलों की तस्वीरें लगाने से ना कोई दीपक परवानी नहीं बन जाता, तुम देखना पूरे मोहल्ले को बताऊंगी कि तुमसे कोई कपड़े ना सिलवाए। मेरे कपड़े नहीं सिए इसने, ये ऐसा कैसे कर सकता है? मगर ये ऐसा कर चुका है, अब उठो और जाके वही कपड़े पहनो जो मैं कह रही थी। उठ जाओ, समझ नहीं आ रही तुम्हारे? उठो। क्या हुआ सायरा, रो क्यों रही हो? मेरे पास सारे बेकार जोड़े हैं, एक भी जोड़ा ढंग का नहीं है। ऊपर से अम्मी ने जो सूट सिलवाया था, चाह रहे उसे आग लगा दो। और इसमें रोने वाली क्या बात है? वहां पे इतने सारे लोग होंगे, क्या पहन के जाऊंगी मैं? एक सेकंड, ये कैसी है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम्हारा तो हर जोड़ा अच्छा होता है। तो ठीक है, ये तुम पहन लो। मगर फिर तुम क्या पहनोगी? मेरे पास बिल्कुल ऐसी एक और साड़ी पड़ी है, मैं ड्राइवर को भेज के मंगवा लूंगी, ये लो। तुम सच कह रही हो? थैंक यू। चलो जल्दी से पहन के दिखाओ। हाँ। ब्रेसलेट है तुम्हारे लिए। वाह, कहाँ से लिया? बनवाया है तुम्हारे लिए स्पेशली। लाओ, पहना दो तुम्हें। डबल एस साकिर एंड सायरा। छोटी सी कलाई है तुम्हारी, क्यूट। बहुत प्यारा है, थैंक यू। लुकिंग नाइस, हाँ। चले उठे साकिब भाई, आज हम एक गेम खेलेंगे। गेम? कैसा गेम भाई? आज ही का तो दिन है गेम खेलने का। मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांधूंगी और फिर हम सब लड़कियां एक लाइन में खड़ी हो जाएंगी और आपने बगैर देखे बगैर हाथ लगाए हमारी सारा भाभी को पहचानना है। ओ, चले उठे उठे, ये बहुत बुरी गेम है, मुझे नहीं खेलनी प्लीज। चले ना, चले वरना मेरा दिल टूट जाएगा। चले। ओ फल्ला, दिल टूट जाएगा, इतना छिछोरा गेम खेलोगी मुझसे? कमन। ओके ओके, एक मिनट एक मिनट। ओ, 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 ओ। बिल्कुल नहीं आ रहा, बोले क्या करेंगी अब? यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। ओके, और आपने बगैर देखी और बगैर हाथ लगाए सायरा भाभी कौन है? ठीक है जी, हाथ लगाए बगैर तो नहीं पहचान सकता, कुछ तो कर। बगैर देखे बगैर हाथ लगाए, हाउ डू आई नो कि वेयर इज शी स्टैंडिंग? चले थोड़ा सा हाथ लगा के महसूस कर। ओके ओके, अभी खड़े रहे। कहाँ जाना है? क्यों लाइन में आ जाओ, लाइन में। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? नजर तो नहीं आ रहा?
ये नहीं है। यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन है बट आई थिंक देयर यू आर। तुम्हें देखने के लिए मुझे आंखें नहीं चाहिए। आई लव यू। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ थी, करीब करीब था मैं। साकिब भाई ये तो रॉन्ग नंबर लग गया ना। आई लव यू। आई लव यू टू। आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। फिर आइएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक अब खत्म हो गया, हम लोग भी चलते हैं। वो डैडी आ ही गए हैं। हाँ भाई, सारे मेहमान चले गए, अब हमें भी चलना चाहिए। बिल्कुल सही है। तुम ऐसा करो कि इन लोगों को छोड़ के घर आ जाना। ओके। मैं और तुम्हारे डैड जा रहे हैं। ओके डेट। ओके गो 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 गो। ओके सी यू डैड। सी यू सी यू सी यू। हाँ जी, क्या प्लान है? प्लान ये है कि इन्हें मैं छोड़ दूंगी और सायरा को साकिब भाई आप ड्रॉप करेंगे। आर यू श्योर? थैंक यू। ओके खाला, अल्लाह हाफिज। अच्छा, आज तो हम अकेले आइसक्रीम खाएंगे। सब लोग चले गए। जी चाह रहा है सारी रात यहीं गुजार दूं तुम्हारे साथ। आज मैं बहुत खुश हूं। मैं भी। हेलो। जी जी बात कर रहा हूं। क्या कौन? क्या क्या हुआ साकिब? क्या हुआ? किसका फोन था? डैडी और मम्मी, मम्मी का एक्सीडेंट, हॉस्पिटल में हो।
आप लोग यहाँ नहीं रह सकते तो फिर मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ। नहीं बेटा, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। मामा, ख्वाब कितने सच्चे होते हैं। रात कोई मूवी देख के तो नहीं सोई थी? I'm really sorry. आपकी फैमिली का पता चला तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि अपनी जिंदगी को मामूल पे ला सकूँ। बस जल्दी से मेरी साकिब से शादी हो जाए और अम्मी चली जाए यहाँ से। वैसे उनका तो बस नहीं चलता कि साकिब से मुझे शादी के बाद ही मैं मिलूंगी।